तो पॉकीमन जर्नीज के अंदर हम लोग को लगभग हर लेजेंडरी पॉकीमन को भी दिखाया जा ही रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे मिथिकल पॉकीमन भी अपना अपीयरेंस दे रहे हैं। तुम एग्जांपल में डार्करा को भी ले सकते हो, लेकिन यार यहाँ पे अब कुछ ज्यादा रेयर होने जा रहा है। यानी कि देखो, डायलगा एंड पालकर जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पॉकीमन में से एक माना जाते हैं, तो अभी वो अपना अपीयरेंस पॉकीमन जर्नीज के अंदर लाने वाले हैं, तो बहुत जल्द होने वाले हैं। पर ये एग्जैक्ट किस एपिसोड के अंदर होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं कि डायलगा पाल के साथ यहाँ पे आर्केस का भी यहाँ पे अपीयरेंस देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि यार देखो, डायलगा पाल के एंड गियटिना इस ट्रियो के साथ किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं वो आर्केस ही है, और कोई पॉकीमन ऐसा नहीं है इसके कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं इससे। सो बेसिकली मर्चेंडाइज का एक पोस्टर रिलीज हुआ जिसके अंदर डायलगा पाल का को शो किया गया है। एंड यार देखो, एक जो प्रोजेक्ट मियो की जो आर्क चल रही है इसके अंदर यहाँ पे लेजेंडरी पॉकीमन को अपीयरेंस होना बहुत ही कॉमन सा हो चुका है। मेरे ख्याल से बेसिकली ये इसी के अंदर होने वाला है। बट सिर्फ बात इतना ही नहीं है, यहाँ और लेजेंडरी पॉकीमन इसका भी अपीयरेंस अभी बहुत ही जल्द होने वाला है। वहाँ पे एक्चुअली एक नहीं दो दो है, रेजी एलेकी एंड रेजी ड्रैगो। ये दो नए रेजी की फॉर्म गलार रीजन के अंदर एड हुए हैं। तो हाँ, इनका भी अभी स्टोरी क्या होने वाला है वो देखने को हम लोग को मिल सकता है। यानी कि देखो, हम लोग के पास सिर्फ इनकी पॉकीडेक्स है, इनकी जो ओरिजिन की स्टोरी है ये हम लोग को बेसिकली बताया जा सकता है अभी इस मतलब एपिसोड्स के अंदर। बट फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग के एपिसोड्स, यानी कि एपिसोड 86 जहाँ पे एशियन बी का जो फाइनल मैच होने वाला है, जहाँ पे मेगा लुकारियो वर्सेस जायगेंटमैक्स मचैम्प होगा। या वो अलग बात है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब बात करते हैं हम एपिसोड 87 में। यहाँ पे हम लोग को ईवी का एक और फॉर्म दिखाया गया, ग्लेशियर। तो देखो, कोहारू की जो ईवी है वो अपने इस फॉर्म को ही मिलेगी। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि कोहारू की जो ईवी है उसको कुछ ना कुछ तो स्पेशल मिलने वाला है। मतलब कि यार देखो, कोहारू की ईवी ने हर ईवी का फॉर्म ऑलमोस्ट देख लिया है, एंड वैसे अभी ये ग्लेशियर को भी देखेगी। कोहारू की ईवी किस फॉर्म में इवॉल्व होगी वो भी देखने वाली बात है। एंड अब यार देखो, लेजेंड आर्केस के अंदर बहुत सारे नए फॉर्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या ईवी का भी कोई नया फॉर्म लेजेंड आर्केस के अंदर आएगा, एंड कोहारू की जो ईवी है उसको कुछ नया ही फॉर्म मिल जाएगा? बट यार एक और यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात है, लेजेंड आर्केस का जो टाइमलाइन है वो पुराना टाइमलाइन है। यानी कि वो जो फॉर्म लेजेंड आर्केस के अंदर शो किए जा रहे हैं वो एक्चुअल टाइमलाइन के हिसाब से पुराने फॉर्म से। बट लेट्स सी यहाँ पे कोहारू की ईवी को क्या मिल सकता है। बट ना, अभी जो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि डायलगा एंड पालकर का जो अपीयरेंस होने वाला है, तो इस अपीयरेंस के अंदर स्टोरी क्या हो सकती है? तो क्या डायलगा एंड पालकर एक दूसरे से बैटल करेंगे? वेल देखो, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन स्टोरी है, वो तो हम लोग को पॉकीमन कंपनी कन्फर्म बता सकती है। वैसे अभी ये एपिसोड भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। बट या लेट्स से इस स्टोरी का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है कि डायलगा पालकर आपस में फाइट करेंगे, यहाँ पे आर्केस उनको रोकने आएगा। एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी अगर गो एंड ऐश फिर से आर्केस से मिले। वैसे गो तो पहली बार मिलेगा, वो तो अलग बात है। बट ऐश का जम पहले भी मिल चुके हैं आर्केस से, लेकिन या वही बात है, उसकी जो मूवी की टाइमलाइन थी वो अलग टाइमलाइन थी। लेकिन जो मोस्टली चांसेस है कि वो डायलगा एंड पालकर यहाँ पे शिनो के कुछ रिसर्च के कारण आ सकते हैं। अभी देखो, डायलगा एंड पालकर आएंगे तो उस वक्त यहाँ पे क्या हम लोगों को शिनो रीजन से कुछ कनेक्शन दिखाया जाएगा? पहले देखो, मेरे ख्याल से हाँ, कुछ वैसा ही होना चाहिए। और तुम लोग अपने यार ओपिनियंस बताना कि तुम लोग क्या लगता है यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है। और यार तुम लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर दो। और यार तुम लोग कमेंट्स नहीं करे तो कमेंट्स भी क्या करो वीडियो के अंदर। ऑलराइट देन, मैं मिलता हूं तुम लोग को अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।